हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में, कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स। देन आपको उसमें टाइप करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पर दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। एंड देन यहाँ पे यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, ऐसे जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स। पर आप क्लिक करेंगे, देन आप जो न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, देन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देन यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ से जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रीड करनी होती हैं एंड प्रोसेस क्या है आपको रीड करना होगा। देन आपको जो है यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है क्लिक हियर टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ से जो है आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, जैसे कि आपको अपना नेम देना होता है, जैसे आपको टेंथ के मार्कशीट में होगा फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ बतानी है, एंड देन यहाँ पे जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप बताएंगे, एंड देन आप प्रेजेंट एड्रेस बताएंगे। इसमें आपको अपना हाउस नंबर बताना होगा, फिर कंट्री बतानी है, सब लोकेलिटी, पिन कोड, ई मेल एड्रेस, फिर कन्फर्म ई मेल एड्रेस, एंड देन आपको जो है मोबाइल नंबर देना होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एंड देन आपको जो है सिक्योरिटी पिन डालनी होगी, फिर पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा 8 to 13 कैरेक्टर्स के अंदर में, एंड इसके बाद कंफर्म करना होगा। देन आपको सिक्योरिटी पिन डाल के आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना होता है।